गुमी किसी के प्यार में आगे दिखाया जाएगा कि सभी सही को स्कूल से आते ही बताएगी कि पत्र लिखा ने उसे विनू से बात नहीं करने दी। इसके साथ ही वो सही को जानकारी देगी कि विराट का ट्रांसफर मुंबई में हो गया है और विनायक भी उसके साथ मुंबई चला जाएगा। यह सुनते ही सही का खून खोल जाता है और वो बाकी विराट पर नाराजगी जाहिर करती है कि वो उसके बेटे को उससे दूर करने के लिए चाले चल रहे हैं। ऐसे में सही छावन निवास में चोरों की तरह घुसती है और विनायक के कमरे में पहुंच जाती है। शो में आगे देखने को मिलेगा कि विराट एक सपना देखेगा जिसमें सही और सभी किसी महिला के साथ खेलते नजर आएंगे। बाद में वो महिला कोई और नहीं बल्कि सही निकलेगी। यहाँ तक कि नींद खुलने के बाद भी उसे सही नजर आएगी, लेकिन जब वो अपनी आंखें मसलेगा तब वो वहाँ से चली जाएगी। वहीं जब सही घर पहुंचती है तो उषा मासी उसे समझाती है कि वो हड़बड़ी में ऐसा कोई फैसला न करे जिससे उसका और विनू का रिश्ता बिगड़ जाए। सही विनायक को सच बता देगी। वो विनू को लेकर स्कूल की छत पर जाएगी और उसे उसके बचपन की तस्वीर दिखाएगी। विनायक के पूछने पर सही उसे सभी का बड़ा भाई कहेगी। दूसरी ओर पत्रलेखा व विराट उसे ढूंढने हुए स्कूल की छत पर पहुंच जाएंगे, लेकिन देखना ये होगा कि सही उसे सच बता भी पाएगी या नहीं।